पटना में युवाओं को ब्राउन शुगर की सप्लाई करने वाली गिरोह की मास्टरमाइंड राधा देवी उर्फ भाभी जी अपने पति गुड्डू कुमार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। इनके पास से 10 लाख रुपए, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, कई बैंकों के चेकबुक और कई महंगे मोबाइल फ़ोन समेत कई सामान बरामद हुए। जानकारी मिली है कि ये लोग कोलकाता के गिरोह से ब्राउन शुगर लेते थे। 6 से 12 लाख रुपए प्रति किलो की दर से ख़रीदने के बाद ये पटना के बाज़ार में 60 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बेचने का काम करते थे। इस गिरोह की सारी डीलिंग भाभी जी ही करती थी और धीरे धीरे सभी विक्रेताओं तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। सनमार्ग लाइव के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट। सामने देखे ना सर, ये अजमाल होगा पीछे पीछे ना। रिकवरी बढ़िया है इसका, पीसी एकदम मस्त है भैया। आए जब से जकल कोई रिकवरी कागज लाओ तब EMI नंबर मिलाया जाएगा। EMI फोटो नहीं मिलेगा, नहीं नब्बे हजार का नहीं है, 18,000 ये जो हमारा नशा के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, जैसा कि पहले भी विभिन्न थानों से कुछ लोग जो है पकड़ा कर गए हैं ब्राउन शुगर के साथ, तो पटना में जो मेन सप्लायर उनकी जो हम लोगों की तलाशी थी और पुराने जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए थे उनके कन्फेशन के आधार पर और हमारा जो टेक्निकल अनुसंधान है उसके आधार पर जो है हम लोगों ने दो लोगों को जो पति पत्नी हैं, एक का नाम जो है राधा देवी है जिनको भाभी के नाम से जो है उर्फ भाभी जो कहा जाता है उनको, और दूसरे उनके पति हैं गुड्डू कुमार। इन दोनों लोगों को जो है आज 20 ग्राम ब्राउन शुगर 9,67,790 नगद, 6 चेकबुक, 7 महंगी महंगी जो मोबाइल से वो हैं और बहुत सारे कागजात जो है बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि पटना में जो छोटे छोटे जो डिमांड पर जो ब्राउन शुगर जो मंगाया जाता था वो इनके थ्रू जो है आता था और इन्हीं के थ्रू जो है नीचे जो है परकुलेट होता था। आगे का जो है पूछताछ जारी है और जो भी इसमें और भी जो लोग हैं उनको हम लोग जल्द ही जो है गिरफ्तार। सर ये जैसा कि पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कि एक कड़ी जो है उसके ऊपर की एक कड़ी जो है आज हमारे पटना की ये जो कड़ी जो है पकड़ाई है। आगे की पूछताछ जारी है कि ये लोग कहाँ से आखिरकार जो है लेकर के आते थे पटना में, और उसमें जो हम लोग का पूछताछ और अनुसंधान जारी है आगे की जो है कार्रवाई की जाए। इनके पास जो है हमारे पास इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
और जो कैश ये बरामद हुआ है नगद है, बाकी जो दो अकाउंट हैं आईसीआईसीआई बैंक का उसमें पता किया गया तो 17,46,000 रुपये हैं। दूसरा जो है आंध्रा बैंक है कंकड़बाग में, उसमें जो है 4,94,000 रुपये हैं। बाकी हमारे पास 6 और अकाउंट नंबर इनके आए हैं और वो अलग अलग बैंक के अलग अलग अकाउंट नंबर हैं, उनकी भी खातों की जो है वेरीफाई किया जा रहा है। और इसमें जो है हमारे जो टेक्निकल जो विंग है, जो ईओयू विंग है हमारा बिहार पुलिस का, उसकी मदद लेंगे हम लोग। और इसमें जो है पीएमएलए के थ्रू जो है प्रॉपर्टी का जो है हम लोग इसमें उसका जब्ती भी करेंगे। चल अचल संपत्ति जो इनकी है उसकी भी जो है हम लोग जाँच करेंगे कि इनके द्वारा कहीं बेनामी संपत्ति तो नहीं एक्वायर की गई है, उसकी भी जो है हम लोग जाँच पड़ताल करेंगे। क्योंकि जो अमाउंट है, जो बैंक में जो पैसा है और जो इनके पास कैश है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनके पास कोई नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सर इनकी जो आज जो गिरफ्तारी हुई है वो आईसीआईसीआई बैंक अनिशाबाद के पास से हुई है। इनके पास से रहने का जो डिटेल है वो अलग अलग जो एड्रेस प्राप्त हुए हैं, हम लोग इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे पर ये भिन्न भिन्न स्थानों पे ये लोग रहते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। कोई फिक्स इनका कोई जगह जो है अभी तक नहीं पता चला है और आगे का जो अनुसंधान में ये चीज़ आएगा। इसमें जो है पटना के जो है ये भिन्न भिन्न स्थानों पे सप्लाई करते थे और इनके आगे की कड़ी पर जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसके लिए पूछताछ जारी है, आगे का अनुसंधान जारी है। मोटरसाइकिल के साथ जो है ये लोग थे वो बरामद। ये भाभी जी की क्या करना? जो किंगपिन है वो भाभी जी ही है, उनका जो है हम लोगों के पास ऑडियो भी है जो बात करते हुए जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है इनका काम होता था और बड़े ही गुप्त और बड़े ही सातिर तरीके से जो है ये लोग अपना काम करते थे। मुख्य सरगना भाभी, कैश जो है जो बरामद हुआ है वो है 9,67,790 रुपये है। बाकी माल कितने का? माल जो है 20 ग्राम जो है अभी तत्कालीन के साथ से ब्राउन शुगर बरामद हुआ। आगे का अभी अनुसंधान जारी है, कुछ और भी इसमें जो है छापेमारी होने वाली। 20 ग्राम मार्केट भाभी जी की भूमिका पहले एट प्रेजेंट विभिन्न जगहों पर रहते हैं। कुछ एड्रेस जो है आए हैं, 2-3 एड्रेस आए हैं और पूछताछ करने पर जो है बताया जाएगा इनके द्वारा हम लोग करने का कोई फिक्स मतलब 2-3 फुलवारी है, चितकोड़ा है, उधर जो है इनका स्थान है। क्या किराए के मकान पर रहते हैं या इनका अपना है? अभी ये सब हम लोग अनुसंधान में आए।